सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई भी हंगामेदार रही। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और सदन की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी। क्या है विपक्ष के हंगामे की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष का हंगामा, सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और विधानसभा का माहौल एक बार फिर गर्माता नजर आया। जी हां, बात हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की हो रही है। दरअसल नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए तमाम मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की कोशिश की। बिना आग्रह के आपने खुद ही प्रस्ताव लाया और खुद ही वापस ले लिया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं ना? या तो आप उसको जो है, अगर आपने कर दिया था, और सुरेश भारद्वाज जी वो उस प्रस्ताव को लेके आए जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, और वो इतनी जल्दी भूल गए कि वो जो पिछले जब भाजपा विपक्ष में थी तब जाके स्पीकर के आसन पे बैठ गए थे। ऐसे लोग हमारे खिलाफ जो है प्रस्ताव लाएंगे, निंदा प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है वो हिमाचल के जनता के हितों को देखते हुए कर रही है, और जो भी हमारा ये कहना है कि हमारे प्रश्न जो है पीछे धकेले गए। सदन में जारी बहस से माहौल इस कदर गरमाया कि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के बाद 25 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं, सदन में पक्ष और विपक्ष को अपनी बात रखने का बराबर मौका मिलता है। प्रतिपक्ष का अपना महत्व है, प्रतिपक्ष को अपने विषय रखने हैं और प्रतिपक्ष जनता की आवाज बन करके अपनी बात कहे, उसके लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं और नियमावली में बहुत सारे प्रावधान हैं, और लगातार उन प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें अवसर भी प्रदान किया जा रहा है, परंतु सीमा लांघ करके और नियमों के विपरीत बात कहना वो सर्वथा अनुचित रहता है। और एक जो विधानसभा में जिस संचालन नियम के अंतर्गत काम होता है उसी के अंतर्गत उस काम को करना, व्यक्तिगत तौर के ऊपर एलिगेशन से लगाना और उनको पूरी तरह से रिफ्यूट भी कर दिया गया है। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों और इस सेशन के समय का सदुपयोग करते हुए जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करें। विपक्ष से मांग की गई कि वो विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगे, जिस पर विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के आरोपों पर सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों को गलत ठहराया और कहा कि सदन में शब्दों की मर्यादा होती है और सदन को चलाने की जिम्मेदारी हर सदस्य की है, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। कल एक परिस्थिति बीच में हुई थी जिसके कारण दोनों पक्ष में काफी नारेबाजी भी हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि बाद में विपक्ष जो है वो वॉकआउट करके चला गया था। लेकिन आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कल जिस प्रकार से कुछ शब्दों का चयन हुआ था उस पर आपत्ति कुछ साथियों ने उठाई है, और उनके जहन में ये सारा विषय रजिस्टर हो जाए कि जो शब्दों का चयन पिछले कल हुआ था, चाहे वो आसन के खिलाफ किया चाहे वो सदन में सदस्यों के खिलाफ किया गया, तो इसलिए वो उपयुक्त नहीं था, उचित नहीं था। उस बात को लेकर के हमारे कुछ साथियों ने अपनी बात कहने की उनकी विपक्ष की उपस्थिति में कोशिश की। नूरपुर से विधायक राकेश पठानिया ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। इसके साथ ही पठानिया ने कहा कि जिस अंदाज में विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। हर बात का जवाब दिया जा रहा है, जैसी बात आगे से आ रही उस बात का जवाब बराबर में जा रहा है। ये वन साइडेड नहीं चलने वाला, पर अब लग रहा है कि कुछ आपस में सेटलमेंट होगा, तो आग देखेंगे आगे अगले दो दिनों में कैसा रवैया रहता है विपक्ष का, उसी के हिसाब से पक्ष भी जवाब देगा। जिस किस्म के इल्जाम हम पे लगे, अब जैसे सरकारी गुंडा बोलकर नारा लगाया गया, चेयर के खिलाफ राजीव बिंदल नहीं बैठे वहां पे आदरणीय अध्यक्ष विधानसभा बैठे, उनका नाम लेकर नारा लगना, ये सब चीजें बर्दाश्त करें। और मैं 98 में जीत कर आया था और उससे पहले भी हम अखबारें पढ़ते हैं, आपके आपके माध्यम से हम बहुत कुछ देखते भी रहे हैं। उम्रों से कभी विधानसभा में ऐसा माहौल नहीं बना
उसके लिए हमें बड़ी पीड़ा है। हम चाह रहे हैं कि विधानसभा की हिमाचल का एक हिमाचल की पूरे देश में हिमाचल की विधानसभा की गरिमा के लिए हमें जाना जाता है। उस गरिमा का जब बेड़ा गर्क होगा तो उसका विरोध भी होगा और उसके ऊपर वाद विवाद भी होगा, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के दो दिन शेष हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदाज से साफ है कि हंगामा आगे भी जारी रहेगा। शिमला से MH1 न्यूज के लिए सुनील परमार की रिपोर्ट।